जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी जैन बरीटो बाउल। बरीटो बाउल एक मैक्सिकन डिश है। ये डिश प्रोटीन से भरपूर है तो ये हेल्दी भी है और साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बरीटो बाउल एक वन मील डिश है और ये देखने में भी बहुत बढ़िया दिखता है। और आप देख सकते हो कि इसके लेयर्स भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। बरीटो बाउल बनाने के लिए सबसे पहले हम राइस बॉईल कर देंगे। उसके लिए एक टोप में पानी गर्म करने रख दिया है। अब पानी गर्म हो चुका है तो पानी में एक टीस्पून नमक, आधी टीस्पून नींबू का रस और आधी टीस्पून घी डाल देंगे। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब 1.5 कप भिगोए हुए चावल को ऐड कर देंगे। मैंने ये बासमती चावल को आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब सब मिक्स करके राइस को पकने देंगे। 5 से 7 मिनट में राइस बॉइल्ड हो चुके हैं। राइस को हमें 80% ही पकाना है, इस तरह राइस का दाना टूटना चाहिए। अब गैस बंद करके राइस को छन्नी में डाल के पानी निकाल देंगे और राइस को एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने देंगे। अब हम रॉ साल्सा बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर, 1 कप बारीक कटे हुए कैप्सिकम, आधा कप बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून ओरिगानो, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टीस्पून नींबू का रस डाल के सब मिक्स कर देंगे और इस तरह हम थोड़ा प्रेस करके मिक्स करेंगे। इस तरह प्रेस करके मिक्स करने से टमाटर और कैप्सिकम का थोड़ा जूस छूटने लगेगा और इससे टमाटर और कैप्सिकम सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब हमारा रॉ साल्सा बनके रेडी है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम सार क्रीम बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप हंकड़ लिया है जिसे मैंने गरम कर दिया है। हंकड़ गरम करने से दही फटता भी नहीं है, सिर्फ हल्का पतला होगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून मलाई डाल देंगे जिससे सार क्रीम बहुत क्रीमी बनेगी। अब इसमें आधे टीस्पून नमक, आधे टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधे टीस्पून नींबू का रस डाल के सब मिक्स करेंगे। यहाँ पे दही खट्टा यूज़ नहीं करना है, हमने दही को गरम किया है क्योंकि बरीटो में राजमा का भी यूज़ होता है। अब सब मिक्स हो चुका है। अब इसे फ्रिज में रख देंगे जिससे सार क्रीम थोड़ा थिक हो जाएगा। अब हम राजमा का स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम होने देंगे। अब ऑयल गरम हो जाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून कटी हुई कैप्सिकम, आधे टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधे टीस्पून ओरिगानो डाल के फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो जाने के बाद इसमें 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर डाल के मिक्स कर देंगे। अब आधे टीस्पून नमक, आधे टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब सब मिक्स हो जाने के बाद इसमें आधा कप बॉइल्ड राजमा को ऐड कर देंगे। राजमा को 5 से 6 घंटे भिगो के कुकर में 5 से 6 सीटी लगा के बॉईल कर दिए थे। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल के मिक्स कर देंगे। मिक्स करने वक्त इस तरह राजमा को थोड़ा स्मैश कर देंगे। अब राजमा का स्टफिंग बनके तैयार है। अब गैस बंद करके स्टफिंग को एक बाउल में निकाल देंगे क्योंकि स्टफिंग ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। अब हम मैक्सिकन राइस बनाएंगे। उसके लिए नॉनस्टिक पैन में 1 टेबलस्पून बटर डाल के बटर को मेल्ट कर लेंगे।
अब बटर मेल्ट हो जाने के बाद 1/4 कप कटे हुए ग्रीन कैप्सिकम, 1/4 कप कटे हुए येलो कैप्सिकम, 1/4 कप कटे हुए रेड कैप्सिकम डाल देंगे। मैंने यहाँ तीनों बेल पेपर को बारीक कट किया है, आप चाहिए तो इसे पतली पतली लंबी स्लाइस में भी कट कर सकते हो। अब आधा कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल के सब बटर में फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो जाने के बाद 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून ओरिगानो, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब हमने जो राइस बॉईल करके ठंडे करने रखे थे उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो राइस एकदम खिले खिले बने हैं। राइस को 80% पकाने से और राइस ठंडे हो जाने से राइस के दाने टूटते नहीं हैं। अब सब मिक्स हो गया है, अब गैस बंद कर देंगे। अब मैंने बरीटो बाउल असेंबल करने के लिए राजमा का स्टफिंग लिया है, रॉ साल्सा, सार क्रीम और नाचोस चिप्स लिए हैं। इसे भी मैंने घर पर ही बनाया है। नाचोस चिप्स की रेसिपी मैंने पहले अपलोड की है तो आप मेरी चैनल पे भी देख सकते हो और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और ये मैक्सिकन राइस लिए हैं। अब बरीटो बाउल असेंबल करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट बाउल लिया है। ट्रांसपेरेंट बाउल रहेगा तो लेयर्स अच्छे से दिखेंगे। सबसे पहले बाउल में मैक्सिकन राइस डाल देंगे। राइस गर्म है और सब लेयर में मैक्सिकन राइस के लेयर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। फिर इस तरह चम्मच से थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब दूसरा लेयर राजमा के स्टफिंग का बनाएंगे। राजमा का स्टफिंग भी गर्म है और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब तीसरा लेयर सार क्रीम का बनाएंगे। मैंने यहाँ सार क्रीम हंकड़ को गरम करके बनाया था क्योंकि हंकड़ को हमें राजमा के साथ खाना था। अगर आप कड़ का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप फ्रेश क्रीम को बीट करके भी सार क्रीम बना सकते हो, पर हंकड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब फोर्थ लेयर रॉ साल्सा का बनाएंगे। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। अब फिफ्थ लेयर में हम नाचोस चिप्स को तोड़ के डालेंगे। और सिक्स्थ लेयर में ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। आप चीज़ नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। और आज हमने जो क्वांटिटी ली थी उसमें से 3 बरीटो बाउल बनते हैं। अब साइड में नाचोस चिप्स रख के गार्निश करके सर्व कर देंगे। अब हमारा जैन बरीटो बाउल बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बना है, तो इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू Thank you so much for watching.